जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आज के समय में कोरोना जैसी महामारी है और इस पैंडेमिक से बचने के लिए हमें घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, हमारा मास्क ही हमें बचा सकता है, मास्क ही वैक्सीन है। साथ ही वैक्सीन लगवाएं, जब तक वैक्सीन नहीं हो आपका मास्क ही वैक्सीन है, ये मान के चलिए। तो हमें मास्क कैसा यूज करना, जैसे सभी मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन मास्क कैसा पहनना चाहिए जो हमें इस कोविड से बचाएगा, तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हमें कैसा मास्क यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक मास्क को, तो दोस्तों आप जैसे ये मोमबत्ती है, इसके ये मास्क मैंने पहन रखा है, अभी इसके इस तरह से मैंने ये फूंक मारी और ये मोमबत्ती यहाँ बुझ चुकी है। इसका मतलब हमारा जो ये मास्क है ये काम का नहीं है। हमें मास्क कैसा चाहिए, अभी मैं दूसरा एक और प्रयोग करूँगा, आपके सामने दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने ये दूसरा मास्क लिया है और इस मास्क से हम फूंक मारेंगे। देखा आपने, ये मास्क है जिसकी से इसको मैंने फूंक मारा और ये नहीं उड़ी। तो दोस्तों आपने देखा कि मास्क के अंदर हमने 2 तरह के मास्क यूज किए। पहले वाला मास्क जो मैंने यूज किया उससे मैंने मोमबत्ती को फूंक मारा और वो बुझ गया, इसका मतलब वो हमारे लिए फिट नहीं है। वहीं पे दूसरा मास्क जब मैंने पहना और उससे मोमबत्ती को फूंक मारा तो मोमबत्ती नहीं बुझी, इसका मतलब हमारी जो अंदर से बाहर नहीं जा पा रही है, तो वो मास्क ठीक है। तो आपको मास्क ऐसा ही यूज करना है, दूसरे वाला मास्क आपको यूज करना है। पहले जैसा मैंने मास्क दिखाया घटिया, सिंगल लेयर वाला आपको यूज नहीं करना, डबल लेयर वाला मास्क यूज करना है। और साथ ही ध्यान रखना चाहिए, एक सर्जिकल अगर आपको नहीं मिल रहे हैं इस टाइप के अच्छे क्वालिटी के मास्क, तो आप एक पहले सर्जिकल वाला पहन लो और उसके ऊपर ये लेयर वाला मास्क पहन सकते हो। तो इस तरह से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।